हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने किया था हमारे GoPro Hero 10 की अनबॉक्सिंग, ठीक है दोस्तों। इसके साथ एक समस्या मुझे ये लगी कि इनको इस कैमरे के साथ चार्जर भी देना चाहिए, क्योंकि चार्जर इसमें अवेलेबल नहीं है और कहा गया है कि वो जो इन्होंने USB टाइप सी केबल दे रखा है उसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा करके चार्ज कीजिए। अब चार चार घंटे लगा करके अगर हम एक बैटरी चार्ज करने लगेंगे तो चलो घर में रह करके तो संभव कर सकते हैं, बाहर जा करके कैसे। और ऑफलाइन स्टोर में इसके चार्जर्स अवेलेबल नहीं हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप GoPro यूज़ करते हैं कि आपने इसका एक अलग से चार्जर खरीदा है GoPro वाला, कि मोबाइल का जो चार्जिंग होता है, जो अडाप्टर होता है, उसमें लगा करके आप चार्ज कर लेते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक मुझे एक प्रॉब्लम लगी। अब देखो, इसका मेजर जो लोग यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग के लिए। मोटो ब्लॉगिंग में इसे सेटअप कहाँ किया जाता है, हमारे जो हेलमेट है उसके चिन पे। मेरे पास जो हेलमेट है इसका चिन ही नहीं, अब समझ गए। अब लगेगा तो लगेगा कहाँ। ये बहुत बढ़िया हेलमेट है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। ये स्टड्स का हेलमेट है और ये मैंने कुछ 1100 रुपए के आसपास खरीदा था, आज से तकरीबन 6-7 साल से ये मेरे पास है। 2013 या 2014 में मैंने ये खरीदा था। इसका शीशा वाइट था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर दुकान पे बोल दिया था जब मैं परचेज कर रहा था ऑफलाइन कि आप इसका शीशा ब्लैक कर दीजिए। तो आज भी ये बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। आप इसे ऐसे लगा करके बहुत बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें हम GoPro माउंट नहीं कर सकते। अब ये जो समस्या है, GoPro माउंट नहीं कर सकते, इसके निवारण के लिए अब एक दूसरा हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स को देखा कि भाई फ्लिपकार्ट से लें या अमेज़ॉन से लें, कहाँ आपको बढ़िया डील मिलेगी। अब हेलमेट्स में ना साइजेस आते हैं, अब जब तक आप हेलमेट देखेंगे नहीं साइजेस समझ में नहीं आएंगे कि आपको एक्चुअल में फ़िट क्या बैठेगा। तो ऑनलाइन देखने के बाद मैंने सोचा एक बार विजिट कर लेते हैं ऑफलाइन स्टोर। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज के सिविल लाइन्स में बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो एक स्टोर में मैं गया और वहाँ पर मैंने बहुत सारे हेलमेट्स देखे और जब देखा तो मुझे वहीं पसंद आ गया, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो चीज़ समझ में आई कि भाई ये मेरे मतलब की चीज़ है। तो मैं, क्योंकि इस GoPro को सेट करना था तो मुझे एक चिन वाला हेलमेट चाहिए था, जो मैं ले करके आया हूँ। ये है हमारा मेड इन इंडिया वेगा का हेलमेट। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा हेलमेट है। ये जो हेलमेट है ये कुछ इस हिसाब से है, आप देख सकते हैं। ये वेगा का हेलमेट है और बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हम, क्योंकि इसके पास एक बहुत बढ़िया चिन है, हम यहाँ पे अपना GoPro माउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉकेट लगाने के लिए एक अच्छी जगह है। एक और चीज़, मैं ये चीज़ देख रहा था कि GoPro माउंट करने के लिए बहुत सारे लोग M-Seal का यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें से कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए हैं और GoPro की बहुत सारी एक्सेसरीज भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। जैसी वो मेरे पास आ जाती है उसका भी मैं वीडियो बना करके अपलोड ज़रूर करूँगा। ये जो हेलमेट लिया मैंने, अब ये हेलमेट जो वेगा का है, इसकी जो प्राइस थी वो 1900 मुझे बताई जा रही थी, लेकिन डिस्काउंट करके उन्होंने 1620 में हेलमेट दे दिया मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये हेलमेट, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। मैं इसकी फिटिंग अगर आपको दिखाऊँ तो मैं दिखाता हूँ। इस हिसाब से इसकी फिटिंग है और इसका जो ग्लास है उस पर जो फिनिश है वो मिरर फिनिश है। अभी तक इसको मैंने खोला नहीं है। देखिए, इसका जो ग्लास है इस पर मिरर की फिनिश है और मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। सेटिस्फाइंग मोमेंट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से हमारा है हेलमेट। अब बाहर की चीज़ अंदर से तो बाहर दिख रहा है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखेगा, वैसे भी क्या दिखेगा, आँख ही तो होती है, ठीक है। अब इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं। तो ये है हमारा हेलमेट, कुछ इस हिसाब से है पूरा का पूरा। एक अच्छा कुशनिंग है, पैडिंग है और इसके अंदर मैं GoPro जब यहाँ पे अटैच करूँगा तो माइक अटैचमेंट के लिए भी जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो वेंट्स हैं ये खुल भी जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं, वो तो हर हेलमेट में होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मैं
मोटो व्लॉगिंग की वीडियोस जब इस हेलमेट से बनाऊंगा तो आप बताएगा कि हेलमेट कैसा है, और अभी आप देख के बताएगा कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। और बहुत जल्दी हम ये जो हमारा GoPro है, GoPro की वीडियो की टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सारी चीज़ें आ जाएं, उसके रिव्यू कर दें तो उसके बाद भी उसको टेस्ट करें, ठीक है। ये था हमारा हेलमेट, बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर आपको GoPro सेटअप करके माउंट करके भी दिखाऊंगा, और उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे। टिल देन बाय, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। हैव अ गुड डे।